बटरफ्लाई, पैरों को जितना नज़दीक ले सके नज़दीक, घुटनों का अपडाउन। मुझे ज्ञात हुआ कि कल मैत्री दिवस था, हम आज मना रहे हैं। कोई बात नहीं, हमेशा ही मनाना चाहिए। मैत्री दिवस तो मैत्री दिवस है, पर मैत्री कैसी होनी चाहिए उस बात की जानकारी करते हुए मैत्री दिवस मनाएं। ऐसा नहीं कि केवल फॉर्मेलिटीज कर लें, हम आज यहाँ मना लिया और फिर कल झगड़ा चल, तो कोई मैत्री दिवस का मायने नहीं, अर्थ नहीं। मैत्री दिवस प्रगाढ़ मैत्री का भाव होना चाहिए। कैसी मैत्री हो? जैसे नीर क्षीर जैसे, नीर का मतलब पानी, क्षीर का मतलब दूध, उनके जैसे मैत्री होनी चाहिए। नीर क्षीर, क्षीर मतलब समुद्र, ये दूध, दूध मिल्क, मिल्क एंड वाटर। और ऐसी हमारी मैत्री होनी चाहिए। एक बार क्या हुआ कि पानी ने दूध को कहा कि मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। दूध ने कहा, मेरे भाई स्वागत है, कहाँ दोस्त मिलते हैं आजकल, तू आज आया है मेरे पास, स्वागत है। उसको पानी को अपने में मिला दिया, अपना रूप दिया पानी को, अपना रंग दिया, अपना आकार प्रकार दिया, अपना मोल भी दिया। जो मूल्य 60-70 रुपये 90 रुपये दूध का भाव है, वो पानी भी उसी भाव में बिका। इतनी प्रगाढ़ दोस्ती की। और घर जाकर भगोने में, तपेले में, किसमें भी जिसने दूध गर्म किया, तवे पर, उस पर चूल्हे पर चढ़ा, और जैसे ही चढ़ा और दूध में उफान आया तो पानी को सामने हुआ कि ये क्यों मेरे को इसने मिलाया है, तो पहले मैं बाहर जाना चाहिए, ये क्यों बाहर जाए। तो पानी ने अपने थोड़े छींटे डाले और छींटे डाले तो दूध रुक गया। क्यों मैं पहले जलूँ, तो मैं जलूँ, दूध को क्यों जलने दूँ, इसने मुझे मैत्री का भाव दिया है, उसको क्यों जलने दूँ। ऐसी प्रगाढ़ मैत्री, और जैसे ही उफान आता है वह उसको ठंडा कर देता है, अर्थात वह उसके अस्तित्व को, अपने अस्तित्व को मिटाकर उसके अस्तित्व को जिंदा रखना चाहता है। ऐसी दोस्ती नहीं हो जो पानी और तेल की बूंद की जैसी हो। पानी जब आया उसके पास, तेल ने कहा ठीक है आ जाओ दोस्ती करता हूँ, लेकिन दोस्ती क्या की, जैसे ही पानी आया उसको अपने नीचे दबा दिया और तेल ऊपर आ गया। नहीं, ऊपर तो मैं ही रहूँगा, तुम तो बाद में आए हो मेरी दोस्ती करने, ऊपर तो मैं ही रहने वाला। और जब कढ़ाई पर चढ़ा और तर तर की बूंदें होने लगी, तर तर की आवाज़, पानी अंदर है ना, तो तर तर की आवाज़ होने लगी, तो फिर पानी जैसे जलने लगा तो तेल पहले खोलने लगता है, और अगर पानी अंदर डालेंगे तो फिर तड़तड़ा तेल को भी साथ में लेके जाता है। वो बोलता है पहले मैं जल रहा था, अब तू भी जल, मेरे साथ में तू भी जल। ऐसा वैमनस्य का भाव एक दूसरे का, तो मुझे जलाने चला है तो पहले तू जल, क्योंकि ऊपर तो वो है तेल, पहले बाहर वो निकले फिर बाद में पानी जन्म। ऐसी स्थिति हमारी नहीं होनी चाहिए। हमारी दोस्ती, मित्रता, मैत्री भाव पानी और दूध के जैसा होना चाहिए, ताकि जीवन में कभी ऐसा काम पड़ जाए तो मित्र के साथ दगाबाजी न हो, उसका पहला आदर दें, ताकि वह हमारे जीवन में हर प्रसंग पर काम आए। आसपास पड़ोस वाले भी काम पहले आते हैं, रिश्तेदार तो कहीं दूर दूर रहते हैं, तो मित्रता उनसे पहले होनी चाहिए जो हमारे आसपास पड़ोस में। सबसे पहली मित्रता अपने स्वयं से होनी चाहिए। मैं अपना मित्र हूँ कि नहीं, कोई भी अच्छा काम करता हूँ तो स्वयं को धन्यवाद दे कि मैंने अच्छा काम किया। कोई भी बुरा काम करता हूँ तो स्वयं को कोसे कि आज मेरे से कोई गलती हो गई, ऐसा काम मुझे नहीं करना चाहिए। तो स्वयं के मित्र स्वयं बने। मित्रता बाहर नहीं खोजे, भीतर खोजे, ताकि मैत्रीभाव हमारा प्रकट हो। और आप सबके प्रति भी मेरी मंगल कामनाएं, तो आप सबके प्रति, सबके मन में मैत्री का भाव जागे, मैत्री का भाव उजागर हो, ताकि हम हमेशा हमेशा के लिए मैत्री भाव से इस जीवन को व्यापित कर सकें। इसी आशा के साथ ओम अरम दोनों।